नमस्कार दोस्तों, मैं विकेश कुमार उके डीएनएक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ उपस्थित हैं दिनेश जी, जो छत्तीसगढ़ी फिल्मों में लगातार काम कर रहे हैं, और आइए उनसे सीधे जानते हैं। वो एक नया प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है जय छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं कि जय छत्तीसगढ़ का कॉन्सेप्ट उनको कहाँ से मिला और उनको क्यों लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले दर्शकों को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ये एक्चुअली क्या है, तपेश जैन जी की कहानी है। उनको लगा कि इसमें जो है दिनेश साहू फिट है, और ये जो स्टोरी जो लिखे हैं ना, वो एक्चुअली क्या है, छत्तीसगढ़ जो है एक बहुत सीधा सरल एक वो क्षेत्र है हमारा, तो यहाँ सीधे साधे लोग हैं, तो उनको कभी कभी बहुत मतलब बुद्धू बना दिया जाता है, तो वो कहानी इससे आगे बढ़ती है, तो बस यही है। ये कहानी आपने बताया कि छत्तीसगढ़ के सीधे साधे लोगों के बीच से होते हुए आती है। आप इसमें लीड रोल कर रहे हैं, आपके साथ टीम में और कौन कौन है? मेरे साथ है इसमें निशा द्विवेदी है, जो हीरोइन है, वो चिरमिरी से है और अभी वो एंकरिंग करती है, बहुत अच्छा एंकरिंग करती है, तो वो मेरी हीरोइन है। और मेरे साथ भी और जो है वो इसमें विक्रम राज भी काम करेंगे, धर्मेंद्र सोनी जी हैं और अमिताभ बांधे जी है और अंटू भैया, अंटू ठाकुर साहब हैं वो, और जो इनका निर्देशन जो है वो डॉक्टर पुलिस सोनकर जी करेंगे, और बस अच्छी टीम बन गई है हम लोग की। अब इस पर हम लोग को काम करना आगे। सर, इसकी कास्टिंग हो चुकी है, ये प्रोजेक्ट अभी कहाँ पहुँचा है इसके बारे में दर्शकों को बताइए, और ये कब तक लोगों के सामने आएगी? कास्टिंग अभी कुछ कलाकारों की हुई है और भी बचा हुआ इसमें, और ये हम हो सकता है फरवरी से हम इस फिल्म को स्टार्ट कर दें। जी सर, जय छत्तीसगढ़ के लिए हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फेसबुक से जुड़े रहने के लिए फेसबुक पर डीएनएक्स टीवी सर्च करें, ट्विटर से जुड़े रहने के लिए ट्विटर पर डीएनएक्स टीवी सर्च करें। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.dainandini.in पर लॉग इन करें।